पंजाबी स्टडी पॉइंट 63 वेख रहे सारे ही व्यूअर्स का इस चैनल पर एक बार फिर स्वागत। मैं अमरजीत कौर अगली वीडियो लैके आप जी के सामने पेश हैगी हाँ। तो इस वीडियो में आप यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की बीए के छेवें सेमेस्टर की लाजमी पंजाबी की पाठ पुस्तक है जो निर्धारित सिलेबस है नावल अनूप कौर इसका आप 15वां भाग पढ़ना है। इस तो पहला असी इस 14 भाग पढ़ चुके हैं तो 14 के असी बहुत कुछ जान लिया कि किस तरह नौवीं पातशाही साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने आनंदपुर साहब बसाया जिसकी चढ़त वेख के पहाड़ी राजे मुगल सन जिहड़े उन्होंने हत्थां पैरां दी पै गई तो किस तरह वह आपस में रल मिल के आनंदपुर साहब के उत्ते हमला करते हैं तो फिर उत्थे मीह करके तूफान करके जिहड़ा है बहुत सारे जिहड़े सैनिक ने आनंदपुर जिहड़ा है सरसा नदी के रुड़ भी जाते हैं लड़ाई करके जिहड़ा है शहीदियां प्राप्त करते हैं तो फिर आनंदपुर साहब जिहड़ा है घेरा पा लिया जाता है 40 सिंघां दे नाल मुकाबला किया जाता है तो बहुत जिहड़ा है सिंह बहादुरी नाल लड़ते हैगे ने तो फिर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की भी इच्छा सी कि मैं भी जिहड़ा है लड़ाई करके शहीदी प्राप्त कराँ पर उन्होंने जिहड़ा है पंज प्यारे हुक्म करते हैं कि तुसीं जिहड़ा है तो कौम इस टाइम समय लोड़ है इसलिए तुसीं जिहड़ा है भेस बदल के जिहड़ा है गढ़ी विचों निकल जाओ तो फिर वह उन्हां दा जिहड़ा है पंज प्यारां दा हुक्म सिर मत्थे मन के जिहड़ा है निकल जाते हैं आनंदपुर साहब दे विचों तो फिर उस तो बाद दा हाल आपां हुण 15वें भाग दे विच पढ़ांगे। तो इसका सरलेख हैगा मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना भगती भरे ते सोज भरी लै ने जंगल दा सारा वातावरण छा दिता। सुकून विच गाउण वाला एक बुढ़ा वागी सी। हुण वागी कौन हुंदा है? वह व्यक्ति जिहड़ा पशुआं नूं जिहड़ा है चारण दा कम करदा है। वग तो बनया है वागी शब्द वग हुंदा है पशुआं दा इकट्ठ जां झुंड। आवाज़ सुनी है सिंह जी? हाँ बड़ी मिठी आवाज़। मैनू तां इउं जापदा है जिवें गुरु दा शरधालू होवे। अनूप कौर दा ख्याल सी क्यास सीगा मतलब उन्हें अंदाजा लगाया भी किन्नी सोहनी आवाज़ दे विच इह जिहड़ा शब्द गाया जा रहा सी मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना। लोच ते किसे सिंह दी जापदी है तो इउं भासदा है कि यह शब्द भी सतगुरां दा नवां उचारा होया है। आनंदपुर विच यह शब्द अगे नहीं सुनिया। अनूप कौर दा साथी बोलिया। हुण उह अंदाज़ा लगाउंदे ने भी जिहड़ा शब्द तां इउं लगदा है भी जिवें श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दा उचारिया होवे पर उह कहिंदे भी नवां शब्द है कि आनंदपुर साहिब दे विच पहलां इह शब्द कदे नहीं सी सुनिया सी। आवाज़ फिर उभरी कन्न खड़े कर लए फिर गुरमुख प्यारिआं ने दुध बिन रोग रजाइयां दा उड्डण नाग निवासां दे रहिणा। हुण ते बोल साफ सुनाई दिंदे ने सिंह आखण लग्गिआ। हाँ सिंह जी वो लोग दे आखदे सन कि सिंघां दा गुरु कतल हो गया है। मैनू हुणे विश्वास होण लग पिआ है कि इहदे विच जरूर कोई करामात है। साहिब शहीद नहीं होए जे इन्हां लोकां दी जबान ते इतवार कर लिया जावे तां फिर इहो जिहे शब्द कित्थों आया। विचार सी अनूप कौर दा। यह बाणी गुरु गोबिंद सिंह साहिब दी है ते गुरु जी आउंदे ने। गलत प्रचार है अफवाह ही उड़ाई हुई है किसी ने मुगल दी छड़ी हुई हवाई है जां छछूंदर किसी शरारती बच्चे दी बंदे दी। इसे डर नाल कोई सिंह इकट्ठा ना हो। साथी अनूप कौर दा बोल पिया। हुण इह गल्लां करदे ने आपस दे विच उह भी जिहड़ी इह गल हैगी आ भी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी शहीद हो गए ने भी इह तां हुण इह लगदा भी इह गलत गल आ किसी ने अफवाह आई हुई हैगी। अनुमान लाउंदे ने भी इह जिहड़ा शब्द है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दा है ते बिल्कुल ही नवां है। इट मीनस कि इह जिहड़ा साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी उह हले मतलब शहीद नहीं होए तां इह उह
अनुमान लगाते हैं। आवाज़ ने फिर लोच ली, बोल फिर उभरे तो आवाज़ कुछ लागे जही आ गई। सूल सुराही खंजर प्याला बिंग कसाइया का सैण। महाराज की आत्मा कुछ दुखी जापती है। शिकायत ए दाते नू, अनूप कौर ने आख्या। हुण इह शब्द सुन के अनूप कौर नू लग्या कि जिहड़ा है साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के मन दे विच जिहड़ा है एक शिकायती सुर दे विच उन्होंने शब्द गाया हैगा। होवेगी नानक दुखी है सब संसार, बोल सन साथी सिंह दे, डर लत चुकिया सी, गश्ती फौज का भय नहीं सी रहा, ऊं जापदा सी जिमें अपना कोई मिल रहा है। मतलब उन्होंने महसूस हुंदा सी वी किसी पासे हुण डर नहीं हैगा सानू। ये जिहड़ा है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का शब्द सुन के। वागी बुढ़े ने डांग मोढ़े ते रखी सी, तुरिया आ रहा सी अपने ध्यान विच। भाई डांग वालिया भावें आवाज़ अनूप कौर दी सी पर उहदे विच खरवापण सी। तौर पर भौंग है डांग वाले बागी दे, डर गया है गुरमुख सिंघा। अनूप कौर बोली, डरिया तां जरूर हाँ, अपने लिए नहीं तुहाडे लई। साडे लई क्यों? अनूप कौर दा साथी आखण लग्या, गश्ती फौज इधर नूं ही आ रही है, गल्लां फेर करांगे, पहलां अपना बचा कर लईए। इन्हां शिकारियां दे मूँह नूं लहू लग्या होया है, ओह टोया है सुरंग वर्गा, कवर वर्गी लैं दे उहदी नुकरे हो जाओ, बह जाओ। मैं बग मोड़दा हाँ, मैनू इस इलाके वाले सारे जानते ने। यह बुरियां मईयां, यह लाखियां गऊं पिंड दे काजी दियां ही ने, ते जां पिंड दे शाहूकारां दियां। मैनू हाथ ला के किसी ने मौत नूं वाज थोड़ी मारनी है, भावें कमी होवे पर होवे किसी जिंद वाले दा। बागी नाले तुरिया जांदा सी ते नाले बोली जांदा सी। मतलब वो कहिंदा सीगा वी मैं जिहड़ा है काजी अते पिंड दे शाहूकार दा जिहड़ा है नौकर हैगा, उहदियां मझां जिहड़ा है चार रहा हैगा, इस करके जिहड़ा है मेरा मैनू कोई भी हाथ नहीं ला सकदा। मतलब वो अपना माण कर रहा सी इस गल दे उत्ते। कौन है तू बग चारदा? काजी दा काम आ। की नाँ है तेरा? नूरा। कोई सिंह नहीं वेख्या इधर आउंदा? ते मतलब अनूप कौर ते दा साथी उहनूं पुछण लग पए। सिंह ते मार खप गए, हुण सिंघां दा की काम? कंधा फुल्लो, शायद हड्डियां निकल आउण, हुण ते हड्डी चुणे जा सकते ने चमकौर विच्चों। जाओ किते बोर्ड थल्ले जा के लम्मे पाओ, तकीए विच जा के दम छा मारो। क्यों खुची घट्टा पा रहे हो? बागी ठिचकर करदिआं जरा ना रुकिआ, गश्ती फौज दे अफसर। हुण इह की गल, मतलब किहदी गल कर रिहा सीगा? इह जिहड़ा हैगा फौज जिहड़ी हैगी आ गश्त कर रही सीगी, उहदा अफसर सीगा, उहनूं पुछण लग्गिआ सी, पुछदा सीगा वी तूं इत्थे कोई सिंघ नहीं आया हैगा? तां फिर उह इहदे जवाब दे विच दसदा आ उहनां नूं, उहनूं उन्हें जिहड़ा है अनूप कौर ते उहदे सिंघ साथी नूं तां लुको दित्ता सीगा उहदे विच सुरंग दे विच, ते उह फिर गश्ती फौज दे अफसर नूं मजाक कर रिहा सीगा। पिंड दा पिहा किधर है? इस रक्कड़ ने डंडियां ते पहे ही खा ले। तो हुण अगला गल्लां जिहड़ियां हैगियां ने उह फौज दा अफसर कह रिहा सीगा नूरे नूं। चलीए रोटी टुकर खाइए, हुण ते आंदरा भी नक्की पूर खेडण लग पईआं ने, घोड़ियां दीआं बक्खियां निकल गईआं ने, गश्ती फौज दा अफसर कहण लग्गिआ। हुण की गल हैगी आ अगली गल? जिहड़ा अफसर सीगा उहने नूरे माज तों पुछिआ ते फिर उहनूं मतलब दसण कहण लग्गिआ आपी अपने साथी नूं वी जिहड़ा हुण तां भुख लग्गी है वी जिहड़े घोड़े ने उह वी भुखे हो गए ने, इस करके वी रोटी खाण पीण दा कोई आहार करिए। चंगा साहिब सलाम, दित्ते चौधरी नूं आख देणा डक्के मोड़न वाला बंदा भेज देवे। नूरा अगे चलिया गया है बग चारदा, नूरे की आवाज़ सी। हुण नूरे ने जिहड़ा है उस अफसर नूं सुनेहा दे दित्ता वी दित्ते चौधरी नूं कह देना वी कोई किसी होर बंदे नूं भेज दिओ वी मैं तां अगे चलिया हैगा बग चारन, आख देवांगे जे कोई मिल गया। टापां भी दित्ते चौधरी कोलों ही मिलणगियां, इस लई सुनेहा दित्ता है। हुण जिहड़ा है नूरा उहनूं की कहिंदा हैगा वी जिहड़ी टापां ने उह वी चौधरी कोलों ही मिलणियां ने खाण पीण वास्ते, इस लई वी मैं उहनूं सुनेहा दित्ता है। ते हुण ते सुनेहा पुज गया,
घोड़े मोड़ लए पिंड वल गश्ती फौज ने धूड़ उड़ रही सी ते फिर सद लाई यारड़े दा सानू सत्थर चंगा भट्ठ खेड़ियां दा रहना ते मतलब कहने दा उन्हां दे जाण तो बाद जदों जिहड़ी सारी फौज है पिंड वल नूं चली गई तां फिर जिहड़ा नूरा सीगा वो फिर गुरु जी दा उचारिया हुआ शब्द फिर गुणगुणाउण लग्गिया कि जिहड़ा यारड़े दा सानू सत्थर चंगा भट्ठ खेड़ियां दा रहना ते फिर सिंह जिहड़े सुरंग दे विच रुके हुए सी उन्होंने मतलब उन्हें पूछा नूरे नूं भी हुण असीं बाहर आ जाइए आओ हुण डर कहदा है सदियां सईयां पै कुतवाल आप डर काहे का नूरिया तेरी एक गल समझ विच नहीं आई कंधां कोलों शायद हड्डियां निकल आउण इह की बाजार ते तुहानूं नहीं पता इह ते गल पुराणी हो गई है छोटे साहबजादियां नूं नीहां विच चढ़वा दित्ता है वजीर खां ने ते माता गुजरी वो ठंडे बुरज विच कैद है सी भुखी पाणी बर्दाश्त ना कर सकी पुत्रियां दी मौत इस गल विच प्राण त्याग दित्ते ये खबरां तैनूं कित्थों मिल गईआं ने मेरा एक पुत सरहंद विच है ते दूजा डाक दे महकमे दा अफसर है यह शब्द गुरु महाराज दा है ते मैनूं मेरे वड्डे पुत्र ने लिया के दित्ता है नवी खां ते गनी खां दे डेरिया तों कहण दा भाव की है नूरा जिहड़ा है वह अनूप कौर ते उहदे साथी नूं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार बारे सारा जिहड़ा है हाल दसन लगे है ना सतगुर जिउंदे ने एवें लोगों ने कुफर तोलिया है अफवाह उड़ाई है कि कतल कर दिता है सिंघां दा गुरु हाँ गुरु कतल कर दिता गया गुरु होश उड़ गया अनूप कौर दे अखां भर आईआं हाँ गुरु असली नहीं नकली वह संगत सिंह सी जिहड़ा मुगलां ने झटकाया है आनंदपुर दा वाली तो खिदराणे की ढाब ते पुज गया है चमकौर विच की बनी सिंघां नाल दोवें वड्डे साहबजादे शहीद हो गए फड़ लए मुगलां ने तो हुण उपकौर ते जिहड़े साथी ने उह पुछदे ने नूरे नूं कि जिहड़ा है वड्डे साहबजादे फिर मुगलां ने फड़ लए नहीं फड़न जोगे कित्थे होए ये तो मारिया शिकार खाण वाले ने मारन जोगे नहीं नूरिया तू तो गुरु घर का प्रेमी जापदा है हाँ सरदार जी असी पठान हाँ असी उच्चे पीर नूं सलामा करदे आए हाँ पंजाब विच सदियां तक गुरु वर्गा होर कोई नहीं जम सकता मेरा पीर इस तरह आखदा है शब्द का पढ़ के मेरा तो रोम रोम पवित्र हो गया नूरे की आवाज़ से असी डार विचों बिछड़ गए हाँ सानू डार नाल रड़ा दे नूरिया चमकौर थाणी माछी वड़ जाओ राह विच कोई गुरमुख मिलता जाओ सिर्फ डारे तो गश्ती फौज दा होर कोई तुहाडी बाह वल नहीं वेखदा जनता दे दिल विच तुहाडे नाल हमदर्दी कुट कुट के भरी हुई है बाणे बदलो कुराहे तुरे जाओ हुण कुराहे दा मतलब की है भी सीधे राह नहीं जाना हैगा भी पग टंडियां विच दी जाण दी लोड़ हैगी है क्योंकि सीधे राह दे विच जिहड़ा है फौज दा डर सीगा कश्ती फौज जिहड़ी उन्हां नूं लभ रही सी इसलिए उन्हां नूं सिंघां नूं जिहड़ा है बिंगे टेढे रस्तियां चों जाण दी लोड़ सीगी डंडियां दे चक्कर च ना पो मंजिल ते पुज जाओगे शामां तक मैं तुहाडे नाल हाँ बाणा लिया दिंदा हाँ प्रसाद छको रात नूं पंध मकाओ दिने फिर किते साह लै लैणा कदी ना कदी आ जाएगा यार दा द्वारा नूरा बजद विच आख रहा सी मित्र प्यारे नूं हाल मरीदां दा कहना नूरे आ जिद्दां तरी रज़ा ते हुण नूरा उन्हां नूं समझा रहा भी तुसीं जिहड़ा है रात नूं खाणा खा के जिहड़ा है अपनी भेस बदल के तुर पो भी दिन दे विच फिर किते जिहड़ा है टाइम कट के फिर रात नूं ही जाणा भी तां कि उह जिहड़ा है मुगलां दी फौज दे हत्थ ना लगण शामी वग मोड़िया डांग मोड़े ते रखी सद्दा लाउंदा मिर्जे जट दियां पिंड विच जा पुज्जिया रात पई अन्न पाणी चुक्की बाणे दी गठड़ी बन्नी नूरा फिर उस टोए दे लागे आ गया मतलब वह दुबारा फिर उन्होंने खाणा ते उह बाणा लै के वापस आ गया बिड़क लई खुरा नप्पिया कोई सूहा लग्या होया सी पैड़ां पैड़ां ते ही तुरिया आया हुण की है उन्हें देखिया भी जिहड़ा कोई उहदी जिहड़ी है पैड़ चल लब के उहदे पिछे आ रहा सीगा सूईआ भाव जसूस जिहड़ा मुगलां दी दा उहदे पिछे लग गया सीगा ख
खन्नी खन्नी खानी सी खा ली ते बाणा बदलिया। सूहिया कड़म कुद पिया विचकार आ के, एक करतूत नूरिया तेरी काफरां दी मदद ते इस्लाम नूं धोखा। मतलब कहना भाव सूहिया जिहड़ा है उन्हां दे विचकार आ गया जदों उह जिहड़ा अनूप कौर ते उहदे साथी जिहड़े हैगे ने बदल वस्त्र बदले उन्होंने खाना खाधा ते फिर सूहिया विचे आ के कहण लग पिया ते उह नूरे नूं जिहड़ा है लाणत दिंदा वी तूं जिहड़ा है इस्लाम दे नाल धोखा कर रिहा। जा राय राय जा भरा पेंडा खोटा ना कर, रब तों डरीदा है। नूरा उसनूं आखण लग्या मैं ते काजी नूं जा दसूं, वार चुक लूं पिंड जाके तेरियां मुश्कां बनवा दूं ते खल लहा दूं पुट्ठी। ते मतलब जिहड़ा सूहिया है उसनूं नूरे नूं डरावा देण लग गया। चंगे कम्म विच लत्त नहीं मारी दी वीर, मतलब जिहड़ा है नूरे ने उसनूं समझाउण दी कोशिश कीती ये चंगा कम्म है सप्पां नूं दुद्ध पिलाउणा। नूरे ने डांग दा वगाता हत्थ मारिया, डांग पुड़पड़ियां च जा पई। इक्को डांग ने चित कर दिता, तड़फिया सूहिया। सूहिए दे हाथ विच टकुआ सी, उस भगाता मारिया ते उह जख्मी सिंह दे ढिड विच जा वज्जिया। उह भी गुरू नूं प्यारा हो गया, रह गई कल्ली अनूप कौर करमां दी मारी। हुण कहण दा भाव की है भी उसने नूरे ने उसनूं समझाउण दी कोशिश तां कीती वी इह कम्म चंगा कम्म हैगा वी इहदे विच आपां नूं लत्त नहीं लाउणी चाहीदी, पर उह ना समझिया सगों जिहड़ा है उह उहनूं धमकियां देण लग पिया वी मैं काजी नूं जा के दसूँगा भी तैनूं पुट्ठा लंकाऊंगा, है ना इस तरह दीआं गल्लां करन लग पिया। ते फिर ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੂਹੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਨੂਰੇ ਨੇ ਸੂਹੀਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਹੀਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਕੂਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਗਾਵਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਭਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟਕੂਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੋ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਫਿਰ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨੂਰਾ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਥ ਆਉਣ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਨਾ ਗਵਾਓ, ਚੌਧਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਭੀੜ ਬਣ ਜਾਓ। ਚੰਗਾ ਨੂਰਿਆ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਥ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਕੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਉਡੀਕਣਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੂਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਹੈ। ਨੂਰਿਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਰਾਹ ਭੁੱਲਿਆ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦੇਈਂ, ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਰਾਹ ਮੁਕਤਸਰ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਲ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਏ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਨੂਰੇ ਦੀ ਸੀ, ਨੂਰੇ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ? ਨਵੀ ਖਾਂ ਅਤੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਕਰੇ ਲੰਬੀ ਮੰਜ਼ਲ ਬਿਖੜਾ ਪੈਂਡਾ, ਪੰਧ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਥ ਨਾ ਪੈਦਲ ਹੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ, ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮਾਰੂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਮਾੜੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਨੂਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਇਹਦਾ ਇੰਨੇ ਬਿੰਨ ਸਾਰ ਪਾਠ 15ਵੇਂ ਭਾਗ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਭਾਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਭਾਗ ਨੰਬਰ 15 ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸੋਜ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਅਮ੍ਰਿਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ,
ते नाल ही ये भी महसूस किया कि यह शब्द सतगुरु ने नवा उसारे उचारिया है, क्योंकि पहला कभी आनंदपुर में यह शब्द सुनिया नहीं सी गया। जो दूजी बार शब्द दी अगलियां पंक्तियां सुनाई दित्तियां तां अनोखर दे नाल दे सिंह नूं भी जिहड़ा है यकीन हो गया कि उन्हूं उह कहण लग्या कि लोक तां एवें गलत कहिंदे ने कि गुरु जी दा कतल हो गया है, जेकर लोकां दी गल उत्ते यकीन करो तां फिर इह शब्द कित्थों आ गया। सिंघां ने भी यही कहा कि बाणी गुरु साहिब जी दी है ते उह जिउंदे हन, गुरु जी दी शहीदी दी गल एवें अफवाह है। हुण इह शब्द गाउण वाला इक वागी सी जिसका नाम नूरा सी, उसनों पता सी कि यह गश्ती हो उधर आ रही है। उसने अनूप कौर ते सिंह नूं एक सुरंग वर्गे टोए विच बड़ा के लुकण लई कहा ते दस्या कि वह एक वागी है, उसनों सारे इलाके दे लोक जानते ने, वह पिंड दे काजी अते शाहूकारां दा वग चारदा है, इस करके कोई भी उसनों कुछ नहीं कहता। गश्ती फौज दे पुछगिछ करन पिछों ते लंघ जाण पिछों नूरे ने उन्होंने दस्या अनूप कौर ते उहदे साथी नूं कि छोटे साहबजादियां नूं वजीर खां ने नीहां विच चिणवा दिता है ते माता गुजरी जी ठंडे बुरज विच पुत्रां दी मौत नूं बर्दाश्त ना करदे होए भुखे ते हाए प्राण त्याग गए ने। उन्होंने दस्या कि उसका उस नूरे माई ने दस्या कि उसका एक पुत्र सरहंद विच है ते दूजा डाक महकमे विच अफसर है, ते इह शब्द उसके वड्डे पुत्र ने उसनूं नवी खां ते गनी खां दे डेरों लिया के दिता है। इस तो अनूप कौर ते सिंह नूं यकीन हो जाता है कि गुरु जी जिउंदे हन। नूरे ने कहा कि आनंदपुर दा वाली तां खिदराणे दी ढाब उत्ते पहुँच गया है। नूरे ने दस्या कि वह पठान हन, वह उच्चे पीर नूं सलामा करते हैं, कहना बाबा वह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नूं उच्चा पीर कहिंदे सीगे, ते पंजाब दे विच गुरु जी वर्गा कोई भी नहीं हो सकता, ते उन्हां दा शब्द पढ़ के उसका रोम रोम पवित्र हो जाता है। अनूप कौर ते सिंह ने नूरे नूं कहा कि वह उन्हां नूं गुरु जी नाल मिलावे। नूरे ने कहा कि वह चमकौर थाणी माछीवाड़े चले जाण। आम जातन के मन मनता मन के सिखां लई बड़ी हमदर्दी है, जेकर डर है तो सिर्फ गश्ती फौज का है, उस तो बचने लई उह अपना बाणा बदल लैण ते रात नूं कुराहे तुरते जाण, ते उह पिंड जा के उन्हां लई बाणा ते खाणा लै के आउंदा है, ते उसदे मगर इक सूईआ भी उत्थे पहुँच जाता है जिसने जिहड़ा है नूरे नूं डरावा दिता कि उह काजी कोल उसकी शिकायत करेगा, ते धमकी दित्ती कि उह काफरां दी मदद कर रहा है इस करके उस नूं पुट्ठा ही लटकवा देवेगा। तो नूरे ने गुस्से दे विच जिहड़ा है हाथ विचली डांग भगा के मारी जो सूए की पुड़पड़ी विच जा लगी, तो वह चित्त हो गया, पर अगों सूए द्वारा भगा के मारिया टकुआ जख्मी सिंह दे ढिड विच जा वज्जिया, जिस नाल उह गुरु नूं प्यारा हो गया, तो हुण अनूप कौर फिर इकल्ली रह गई। अनूप कौर ने नूरे माही नूं इह कह के विदा लई कि उह चमकौर साहब वल जा रही है ते उत्थों मुक्तसर वल जावेगी। नूरे ने कहा कि गुरु जी उस नूं नवी खां ते गनी खां दे कोल मिल सकते हैं। तो असी भाग नंबर 15 का पूरे का पूरा मूल पाठ के संखेप सार उम्मीद करते हैं कि तुहानू समझ लग गया होगा। जेकर वीडियो चंगी लगी तो लाइक तो कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के नाल वध तो वध शेयर करना, तो जेकर इस चैनल पर नवे आए हैगे हो तो इस चैनल की प्लेलिस्ट जरूर वाचना, क्योंकि इस चैनल के उत्ते एक नालों वध क्लासिस का काम करवाया होया हैगा, तो जेकर कोई भी करवाया गया काम तुहाडे लई महत्वपूर्ण होवे पढ़ाई के लिहाज के ना, तो इस चैनल सबसक्राइब करके इस चैनल का माण बढ़ाना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।